काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है यहाँ पर, काफ़ी लोगों ने पसंद किया हमारा प्रोजेक्ट। एक्चुअली प्राइसिंग जो हमारा है वो काफ़ी मार्केट कॉम्पिटिटिव है, हमारे जितना जो प्राइसिंग है पूरे तलौजा एरिया में किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है। काफ़ी लोग हमारे विजिट पे गए हैं, हमारी कुछ बुकिंग्स भी हुई हैं, काफ़ी लोगों कल परसों में आने भी वाले हैं। और हमारे जैसे प्रोजेक्ट आप अगर खुद जा कर देखेंगे तो आपको कहीं तलौजा एरिया में पूरा नहीं मिलेगा। 16 लाख से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 आर के, एंड 1 BHK हमारा 25 लाख प्राइसिंग, तो इस प्राइसिंग में पूरे एरिया में आपको नहीं मिलेगा। साथ में हम काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी दे रहे हैं, कुछ मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं हम, और टाइमली हम इसको डिलीवर कर देंगे। हमारा प्लान है कि 2 साल पहले ही इसको डिलीवर कर दें, जो कि 2024 में। काफ़ी सारा हमारा काम हो चुका है इस प्रोडक्ट का, 30% हम काम कर चुके हैं, ठीक है। और हमारे और दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं हैप्पी होम करके, उन प्रोजेक्ट को भी लोगों ने काफ़ी सराहा है। सिर्फ हमारे 3 यूनिट्स ही उसमें अवेलेबल हैं, बाकी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये मेरा पहला घर करके प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने सिर्फ जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए बनाया है। जिस तरीके से BMC के कर्मचारी हो गए, आपके पुलिस वाले हो गए, जो नॉर्मल कॉन्स्टेबल्स वगैरह होते हैं, स्वीपर्स हो गए, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। बट फैसिलिटीज़ हम उन लोगों को ध्यान में रख रहे हैं, हम उस काफ़ी मॉडर्नाइज करके दे रहे हैं उन लोगों को, जो फैसिलिटीज़ आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट में कहीं पे भी नहीं मिलेगी इस प्राइसिंग में। ये प्राइसिंग मेरा काफ़ी कम है, जो कि 16 लाख रुपये से स्टार्ट हो रहा है 1 आर के। 1 BHK मैं 25 लाख में दे रहा हूँ। आप पूरे मार्केट में ट्रैवल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। पूरे एक्सपो में मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। कुछ कस्टमर्स जो इस एक्सपो में नहीं आ पाए, मैं चाहूँगा कि वो आएँ, हमसे मिलें, हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऑफ़र रखेंगे, और हम चाहेंगे एक बार वो विज़िट करें, हमारा प्रोजेक्ट देखें, और उसके बाद फिर अगर उनको ठीक लगता है तो वो बुकिंग के लिए। हमारे पास लोन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, हम काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ला रहे हैं। नहीं, अगर कस्टमर हमारे पास आता है, ठीक है, हम उसको समझाएंगे, दिखाएंगे प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट हमारा, उसके बाद उसके ऊपर है कि वो डिसाइड करता है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। जी हाँ, लोकेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये खारघर के जो मेन सेंट्रल पार्क है वहाँ से 10 से 15 मिनट का ड्राइव है सिर्फ। वहाँ पे एक तलौजा मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं ऑलरेडी, जिसका ट्रायल चल रहा है। वो इसी साल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि उसको चालू कर देंगे। वो मेट्रो स्टेशन से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है। आप अगर अपने व्हीकल से आते हैं तो 2-3 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे। आने वाले टाइम में आपका मेट्रो स्टेशन जो तलौजा मेट्रो स्टेशन है वो सीधा CBD रेलवे स्टेशन से, लोकल स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा, तो लोगों को कन्वीनियंटली काफ़ी हो जाएगा। फिर उधर अलीबाग विरार मल्टी कॉरिडोर भी बनने वाला है, तो उससे भी उसका बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे लोकल लाइन भी आने वाली है साथ में, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, तो लोगों को उसका बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी एक अच्छी लोकेशन पर है, जो आपको ईजिली आप वहाँ तक रीच कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जो लोग मेट्रो या उसमें ट्रेवल नहीं करना चाहते उनके लिए ST बस सर्विसेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके पास में ऑटो स्टैंड भी मिल जाएगा आपको, फटाफट आप ऑटो में बैठिए, स्टेशन पहुँचिए, तो आपको वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जो कि एक कनेक्टिविटी से इंसान ढूंढता है मुंबई जैसी सिटी में। तो ये डिफ़िकल्टी जिसको आती है उसको वो आगे जाके वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।